दोस्तों स्वागत है आपका न्यू ऑटो जोन। तो मैं योगेश शर्मा आपके सामने खड़े न्यू हुंडई ग्रैंड आई 10 न्यूज का दोस्तों एस्टा वेरिएंट आज आपके सामने खड़ा है विद जो है मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी आपके सामने खड़ी है। तो आज दोस्तों मैं इसके बारे में बताऊंगा तो क्या क्या जो है गाड़ी अपने साथ जो है फेस लिफ्ट 2023 में वर्जन जो है मैंने की जो है क्या क्या चीज़ें अपने साथ जो है पैक करके लाई है हुंडई की तरफ से। तो बात करेंगे दोस्तों चेंजेस की बता देता हूँ। तो फ्रंट से देख सकते हैं आपको जो है ग्रिल में चेंज किए गए हैं। तो मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप जो जो क्या क्या जो चीज़ें अपडेट की गई हैं 2023 फेस लिफ्ट में। तो यहाँ से देख सकते हैं ग्रिल में सबसे बड़ा मेजर चेंज है। तो काफ़ी बड़ी आपको जो है ग्लॉसी ब्लैक में आपको ग्रिल मिल जाती है देखने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं ग्रिल ग्लॉसी ब्लैक में आपको जो है प्रॉपर ग्रिल मिल जाती है। तो एक चेंज जो है ये है सिल्वर फिनिश में आपको देख सकते हैं हुंडई का लोगो मिल जाता है। और यहाँ देखोगे तो एक और जो मेजर चेंज है जो एक अट्रैक्टिव पॉइंट दे रहा है इस गाड़ी को फ्रंट से लुकिंग में इसकी में, तो यहाँ पर देख सकते हैं एरो क्रॉस शेप में जो है दोस्तों DRL दे दी गई है जो देख सकते हैं LED बल्ब बेस्ड है। तो वो काफी जो है एक फ्यूचरिस्टिक और एक स्पोर्टी टाइप जो लुक है वो गाड़ी को दे रही है। तो आप यहाँ से एक बार अपने आप देख सकते हैं प्रॉपर। और नीचे देख सकते हैं पूरी रेड कलर में गाड़ी आपके सामने खड़ी है। तो सारा कुछ सिस्टम कुछ इस तरीके का है। और फ्रंट जो हेडलाइट देखेंगे तो यहाँ पर जो LED प्रोजेक्टर बेस्ड आपको जो है हेडलाइट मिल जाती है। एस्टा वेरियंट है दोस्तों टॉप वेरियंट है। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन आपके सामने गाड़ी है, इसमें ऑटोमेटिक भी आपको मिल जाता है। अगर मैं इसके जो इंजन स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बात करूंगा, पहले आप यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं जो है LED जो है प्रोजेक्टर LED हेडमैप मिल जाती है जो कि लो बीम हाई बीम का दोनों यही काम करेगी। और इंडिकेटर आपको जो है हेलोजन बल्ब बेस्ड मिल जाता है। तो प्रॉपर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वहीं साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो गाड़ी में देख सकते हैं 15 इंच 15 इंच आपको जो है डायमंड का अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। प्रॉपर आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्रंट में सेफ्टी के मामले में फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगी और रियर में जो है ड्रम ब्रेक्स मिलेगी। एक बार आप जो है टायर प्रोफाइल चेकआउट कीजिए 175/60R15। तो 15 इंच आपको देख सकते हैं डायमंड कट में अलॉय व्हील्स हैं। प्रॉपर आप चेकआउट कर सकते हैं। इंडिकेटर जो है ORVM पर जो है एडजस्ट किया गया जो कि LED बेस्ड है। तो यहाँ से आप प्रॉपर चेकआउट कर सकते हैं। तो साइड प्रोफाइल ऐसी थी गाड़ी की। और रिक्वेस्ट सेंसर आपको हम गाड़ी में देखने के मिल जाता है। प्रॉपर की बात करो तो प्रॉपर देख सकते हैं आपको दो रिमोट की मिल जाती है गाड़ी के साथ आपको देखने के लिए विद सेंटर लॉकिंग। तो कीलेस एंट्री के साथ आपके सामने गाड़ी खड़ी है। और की कुछ इस तरीके जैसे कि क्रेटा वरेटा में आती है इनकी 200 प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी में आती है वही आपको जो है की बरकरार देख सकते हैं। और बिल्ड क्वालिटी की देख सकते हैं काफ़ी जो है हैवी है प्रॉपर, जिसमें आपको लॉक अनलॉक के लिए और एक बूट ओपन के लिए बटन्स मिल जाता है। तो प्रॉपर चेकआउट कर सकते हैं कुछ ऐसा सिस्टम। तो ये तो दोस्तों गाड़ी की फ्रंट की और साइड प्रोफाइल की बात की मैंने दिखाती है। सेंटर लॉकिंग मिल जाती है आपको। तो रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रियर से प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं। जो रियर में चेंजेस किए गए हैं वो मैं आपको बताया। तो पीछे जो टेल लैंप्स है वो प्रॉपर देख सकते हैं जो है पूरी जो है कनेक्ट की गई है स्टॉप लाइट के साथ। तो यहाँ देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देखोगे तो टेल लैंप्स जो है काफ़ी अट्रैक्टिव जो है एरो क्रॉस में ही वही वो जैसे फ्रंट में DRL थी उस टाइप का ही जो है यहाँ पे भी टच अप दिया गया है जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और इंडिकेटर आपको वही हेलोजन बल्ब बेस मिल जाते हैं मैंने आपको बता दिया था। और ग्रैंड आई 10 की बैजिंग देख सकते हैं। और न्यूज प्रॉपर एस्टा वेरिएंट है यानी कि टॉप एंड वेरिएंट गाड़ी है। तो एस्टा की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। और पीछे देखो तो रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको गाड़ी में जरूर देखने के लिए मिल जाता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसा सिस्टम है इसका। और सेफ्टी के मामले में दो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप प्रॉपर चेकआउट कर सकते हैं। दो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं गाड़ी में देखने के लिए। और पीछे देखोगे तो पीछे रियर वाइपर मिल जाता है, टॉप लाइट मिल जाती है प्रॉपर LED बेस्ड। और शार्क फिन आपको एंटीना मिल जाता है ऊपर। दो आपको गाड़ी में रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं पीछे। तो इस साइड से गाड़ी की प्रोफाइल चेकआउट कीजिए। ऊपर जो है रूफ रेल भी आपको गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती है। इंटीरियर देखोगे दोस्तों डुअल टोन में आपको इंटीरियर मिल जाता है, देख सकते हैं जो है क्रीमिश और थोड़ा मैट जो है ग्रे टाइप जो है डुअल टोन में आपको इंटीरियर मिल जाता है। यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। चारों पावर विंडो का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में। और सेंटर लॉकिंग भी दोस्तों जो ORVM के इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट और इलेक्ट्रिकली फोल्ड आपको यहाँ पे कंट्रोल मिल जाते हैं उसे करने के। और डोर हैंडल्स आपको थोड़े से मेटलिक सिल्वर टाइप है तो उसमें मिल जाते हैं, क्रोम तो नहीं मिलेगा आपको। और डोर हैंडल्स मिलते हैं आपको 1 लीटर का बोतल होल्डर मिल जाता है विद स्पीकर। और वहीं इंटीरियर की बात करूँ तो देख सकते हैं प्रॉपर आपको सीट्स की बात करूँ दोस्तों मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ आपको सीट्स मिल जाती हैं विद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फैब्रिक और लेदर डुअल टोन है, डुअल टचअप दिया गया है। तो फैब्रिक और हल्के की लेदर का भी यूज़ किया गया। तो अंदर थाई सपोर्ट और देख सकते हैं सीट्स में आपको काफ़ी देखने के लिए मिल जाता है मैनुअली आप इन्हें एडजस्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको इंटीरियर में लेकर चलता हूँ क्या क्या जो है गाड़ी अपने साथ जो है पैक करके लाती है। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और बताता हूँ मैं आपको क्या क्या जो चीज़ें आती है। दोस्तों अब चेकआउट कीजिए इंटीरियर। तो यहाँ से देखिए पहले और मैनुअल ट्रांसमिशन है तो आप देख सकते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन सारा कुछ सिस्टम यहाँ पे देखने मिल जाता। तो सबसे पहले दोस्तों सेफ्टी वाइज बात कर लेते हैं, वो सबसे मेन जरूरी चीज़ है गाड़ी में आज के टाइम पे, क्योंकि सेफ्टी पैरामीटर्स के हिसाब से दोस्तों गाड़ी में 4 एयरबैग कंपनी ने पैक करके दिए हैं। इस गाड़ी में 4 आपको एयरबैग देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि एक स्टेयरिंग पे, एक को पैसेंजर साइड और एक दो बी पिलर्स पे। यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे और एक वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो रही सेफ्टी वाइज बात।
तो अब देखते हैं दोस्तों स्टेयरिंग के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर स्टेयरिंग चेकआउट कर सकते हैं, आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, एक जो सेटअप किया गया ना जो वो फेस लिफ्ट में, यानी कि 2023 जो फेस लिफ्ट आया ये, इसमें जो इसमें दोस्तों क्रूज कंट्रोल भी ऐड किए गए हैं, तो वो प्रॉपर आप चेकआउट कर सकते हैं। गाड़ी क्रूज कंट्रोल के साथ आती है। वॉल्यूम ब्रोकर जो है लेफ्ट में दिए गए हैं, बीच में आपको जो है हुंडई का लोगो मिल जाता है विद दोस्तों एयरबैग, और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा क्रोम टाइप है, और यहाँ पे आपके जो है लाइट के और वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं। एसी वेंट देख सकते हैं जो है थोड़ी थोड़ी ब्लैक, यानी कि ब्लैक फिनिश टाइप जो है टचअप दिया गया है पार्ट, और इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों पहले ना इग्निशन जो है इसका वो ऑन कर लेते हैं, फिर बात करते हैं गाड़ी में आगे कैसा सिस्टम रहता है। इग्निशन गाड़ी का प्रॉपर ऑन हो चुका है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले मीटर कंसोल की, पिन्नी विन्नी लगी हुई है ना ऊपर करते हैं, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों बीच में आपको छोटी सी MID दी गई, यानी कि मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दी गई है। लेफ्ट में आपको टैकोमीटर मिल जाता है, राइट में स्पीडोमीटर, और दोनों मीटर्स में छोटी छोटी जो है डंडी आने की सुइयां मिल जाती हैं, जो कि एक दोस्तों एक तो राइट में आपको पेट्रोल इंडिकेट करेगा और लेफ्ट वाला आपको हाँ जी बैटरी इन्फॉर्मेशन जो है इंडिकेट करेगा, यानी कि बैटरी का जो है कितना टेम्परेचर है। और स्पीडोमीटर देख सकते हैं 220 तक की गाड़ी में टॉप स्पीड दी गई है। तो उसी तरह का दोस्तों सिस्टम है जैसे कि इन्होंने जो ओरा लॉन्च किया, सारा सिस्टम सेम ही है, इंजन भी स्पेसिफिकेशन भी। इसमें दोस्तों आपको CNG मिल जाती है, वही आपको जो है पावर वाली है, वही आपको जो है डायमेंशन वाइज सारा सिस्टम मिलने वाला, यानी कि दोस्तों डायमेंशन ही चेंज है गाड़ी के, इंजन विंजन सारा कुछ सेम रहने वाला है गाड़ी का। ये तो यहाँ का सिस्टम, यहाँ पर देख सकते हैं लाइटिंग दी गई है, यानी कि सारे जो सिस्टम उन पर लाइटिंग ऑन हो जाती है जैसे आप जो इग्निशन ऑन करते हो। दोस्तों यहाँ देखोगे तो 9 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वॉइस कमांड, नेविगेशन, ब्लूटूथ, सारा कुछ जो दोस्तों सपोर्ट करने वाला है प्रॉपर। तो जैसे ही दोस्तों मैं रिवर्स गियर अप्लाई करता हूँ तो आप प्रॉपर चेकआउट कर सकते दोस्तों। जो कैमरा क्वालिटी है वो देख सकते हैं, प्रॉपर आपको लेन असिस्ट सारा कुछ सिस्टम मिल जाता है, और कैमरा क्वालिटी भी देख सकते हैं काफी आपको बेहतरीन देखने को मिल जाती है। तो कुछ ऐसे जो है फीचर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये तो रहा रिवर्स कैमरा, तो इसे करते हैं हटाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको मेमो सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मेनू। तो मेन्यू हटाते हैं, इसे मेन्यू में जाते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम है, चलिए इसके बारे में बाद में बात करते रहेंगे। तो ये तरह सिस्टम, यहाँ पे इसके कंट्रोल मिल जाते हैं इनेबल, एंड्रॉइड ऑटो, हाँ जी मैंने दिखा था ना एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले आपको यहाँ पे देखने के लिए प्रॉपर गाड़ी में मिल जाता है। तो विद दोस्तों एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ आपके सामने गाड़ी आती है। तो डुअल टोन में आपको इंटीरियर मिल जाता है, यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा क्रीमिश है, उसमें थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैट थोड़ा सा सिल्वर टाइप है, मैट ब्लैक तो नहीं बोलेंगे, ग्रे टाइप बोलेंगे, मैट ग्रे टाइप आपके यहाँ पे सिस्टम है। हेजार्ड लाइट का बटन आपके लिए यहाँ मिल जाता है, और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपके सामने AC है, देख सकते हैं ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC के साथ गाड़ी आती है। और नीचे देखोगे तो थोड़ा सा ना ट्रिप्टिक पॉइंट दोस्तों अब जो है Hyundai ने कर रखा है, तो टाइप सी पोर्ट जरूर देती है, क्योंकि आजकल दोस्तों जो आईफोन्स आ रहे हैं उनमें जो आईफोन्स वालों ने कर रखा है टाइप सी पोर्ट ही जरूरी है उसके लिए, तो वो दिया है, USB पोर्ट भी दिया है, और 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट भी दी है। तो प्रॉपर आप चेकआउट कर सकते हैं, और नीचे देखोगे तो ओ हाँ जी दोस्तों गाड़ी आती है वायरलेस चार्जिंग के साथ। तो गाड़ी दोस्तों वायरलेस चार्जिंग के साथ आती है, तो हाँ जी दोस्तों गाड़ी भी वायरलेस चार्जिंग के साथ आती है, तो प्रॉपर आप चेकआउट कर सकते हैं वायरलेस चार्जर। और मैनुअल ट्रांसमिशन दोस्तों इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा, ये है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, तो प्रॉपर चेकआउट कर सकते हैं 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आपके साथ, आपके सामने गाड़ी खड़ी है, और नीचे 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, मैनुअली हैंड ब्रेक मिल जाती है, और यहाँ तो कुछ ऐसा सिस्टम है देख सकते हैं मैंने आपको दिखाया, सेम उसी की तरह है जैसे कि ओरा में आता है, थोड़ा सा कलर चेंज है बस। और यहाँ पे देखोगे तो ग्लव बॉक्स मिल जाता है, इसमें कुछ स्पेस है, और वहीं बात करते हैं IRVM की, तो आपको मैनुअली आपको डे नाइट के लिए एडजस्ट करेंगे इसे। और यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है और कुछ नहीं मिलता, और यहाँ आपको एक वैनिटी मिरर जरूर देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा वेरिएंट है तो वो नहीं मिलता, अगर थोड़ा सा बेस होता तो टॉप वेरिएंट है, तो सारा कुछ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ तो ये सिस्टम, यहाँ एक जो है माइक टाइप मिल जाता है, तो यहाँ तो कुछ ऐसा सिस्टम है। चलिए दोस्तों मैं बैग में लेके चलता हूँ आपको, बैग में गाड़ी अपने साथ क्या क्या जो है पैक करके लाती है। मैं देखोगे तो काफ़ी उसी तरह का डुअल टोन बरकरार है, प्रॉपर क्रीमिश और थोड़ा सा जो है जो ग्रे टाइप जो है मैट, तो वो देख सकते हैं। और सीट्स देख सकते हैं काफ़ी अंदर टाइट सपोर्ट और कंफर्टेबल है। और दोस्तों ये दोस्तों जो Hyundai पता नहीं क्या सिस्टम बना रखा है, फ्रंट के जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स है, और पीछे के एडजस्टेबल हैं, तो ये देख सकते हैं आप। तो ये कुछ सिस्टम है इनमें, और यहाँ पे आर्मरेस्ट तो नहीं मिलेगा, तो सीट्स कुछ इस तरीके की हैं, आप प्रॉपर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आपको इसमें जो बूट स्पेस है ना वो प्रॉपर ओपन करके दिखाता हूँ। तो बूट स्पेस की बात करूँ तो कुछ इतना आपको बूट स्पेस मिल जाता है गाड़ी में देखने के लिए, ऊपर एक पार्सल ट्रे भी मिल जाती है, तो बूट स्पेस देख सकते हैं। जिसकी कैपेसिटी की बात करूँ अराउंड 328 या कुछ इतना जो है बूट स्पेस आपको मिल जाता है। पीछे बूट लैंप भी जरूर देखने के लिए गाड़ी में मिल जाती है। तो ये थोड़ा सिस्टम, चलिए बंद करते हैं, आपको इंजन दिखाता हूँ कि इंजन किस टाइप का अपने साथ गाड़ी प्रॉपर लेकर, बोनट ओपन करते हैं और दिखाता हूँ कैसा है सिस्टम। बात करूँ तो ये देख सकते हैं आपके सामने 1.2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपके सामने खड़ा है, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में जो माइलेज दे देगा आपको 21 तक की जो है MPL की जो माइलेज है कंपनी क्लेम कर रही है। वहीं इसकी मैक्सिमम पावर मैक्सिमम टॉर्क की बात करूँ तो 83 BHP आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आपको मिल जाती है, और वहीं इसके टॉर्क की बात करूँ तो 139 की 113 Nm ऑफ इसमें आपको गाड़ी में टॉर्क देखने के लिए मिल जाती है। और वहीं CNG की बात कर लूँ तो आपको वहीं आपको CNG में थोड़ी सी पावर जो है डाउनग्रेड चली जाती है, तो CNG में आपको पावर मिल जाती है 69 BHP और वहीं टॉर्क मिल जाती है
95 न्यूटन मीटर। तो मैंने आपको दोस्तों इसके इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में जो भी चीज़ें थी सारी कुछ बता दी है। तो आशा है दोस्तों आपको जो है वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी। पसंद आई दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।